नमस्कार दोस्तों, अभी मैं लखनऊ में हूँ और अभी लखनऊ में मेला लगा हुआ है, जो कि ये आपको गुमटी नदी किनारे बना हुआ एक झूले लाल पार्क के नाम से ग्राउंड है, उसी ग्राउंड में मेला लगा हुआ है। और भाई साहब, ये हर बार आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पर हर फेस्टिवल में यहाँ पर मेला वगैरह लगता है, जो कि अभी गणेश चतुर्थी था इसलिए मेला लगा है। फिर आपको मिल जाएगा कार्तिक माघ कुछ एक मेला होता है, कार्तिक में भी मेला लगता है। और इस तरह के पंडाल वगैरह बना है, पंडाल आप देख लीजिए। सब क्या गजब का नज़ारा है, ये देखिए। यहाँ पर मनेतियों के राजा कुछ ऐसा लिखा हुआ है और अंदर में मूर्ति वगैरह हैं, लेकिन इसको भी शायद तो तोप के रखे हुए हैं, क्योंकि ये 6 बजे शायद ओपन करते हैं। और ये देखिए चारों तरफ है डीजे साउंड वगैरह लगा के रखा है, ये देखिए। और ये 19 तारीख से 28 तारीख तक रहेगा, जो 19 तारीख से स्टार्ट हो गया था। और ये देखिए आपको एक और सबसे अच्छा चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए भाई साहब, एक मिनट बस, ये देखिए। ये आशीर्वाद भी दे रहे हैं और ऊपर नीचे उठ भी रहे हैं, जैसे मोटर सिस्टम से है बना हुआ है, लेकिन बिल्कुल अमेजिंग लग रहा है। ये देखिए क्या खूबसूरती है, और ऊपर में लाइट वगैरह लगा हुआ है और कुछ इस तरह की है, ये देखिए। और उधर में आप देखेंगे तो झूला वगैरह भी लगा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए झूला वगैरह लगा हुआ है। और ये भी आपको दिखाऊंगा, उधर सामान वगैरह बिक रहा है, ओनली 100 रुपया में, 10 रुपया में जो भी लेना है ले सकते हैं, 10 रुपया में जो भी सामान लेना है वहाँ बिक रहा है, मतलब जो भी क्या 500 का सामान 10 में नहीं। एक मिनट रुकिए, आपको अभी मैं उधर भी लेके चलूँगा, उधर सामान वगैरह बिक रहा है तो। और 10 का भी अलग अलग सामान लगा के रखा है, 10 में जो भी वहाँ लगा के रखा है वो ले सकते हैं, 100 में अलग अलग सामान रखा है, 50 में रखा, सब अलग अलग तरह के सामान वगैरह भी रखा है, वो भी दिखाऊंगा आपको किस तरह की है। बाकी इसका नज़ारा आप देख लीजिए, कुछ इस तरह की है, ये देखिए। ये मैंने इसका आने के लिए हो गया रास्ता, यहाँ से बाइक वगैरह उतरता है, उधर भी पार्किंग है और इस साइड में भी पार्किंग है, दोनों तरफ पार्किंग है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, सावन भादो कार्तिक में भी लगता है यहाँ पर मेला, 3 महीने तक रहता है। और यहीं पर है हनुमान धाम, ये देखिए पीछे एक दिखता हुआ थोड़ा सा मंदिर की तरह, वो साइड में हनुमान धाम है। और बिल्कुल अमेजिंग, ये देखिए क्या खूबसूरती है। अभी मैं पंडाल के नीचे बैठा हूँ, ये भगवान गणेश जी का भी एक दर्शन करने के लिए, अब बस थोड़ी देर में मैं दर्शन कर लूँगा, अभी कर लेंगे। और लगभग 6 या 6:30 बजे शायद जो पर्दा आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जो लाल पर्दा आप देख रहे हैं, ये पर्दा 6 बजे तक हट जाता है और दर्शन करने को मिलता है, तो बस थोड़ा इधर में 1 से 2 मिनट में दर्शन कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह का नज़ारा है। और फाइनली दर्शन अब हो गया, ये देखिए पर्दा खुल गया है, बस ये देखिए गणेश महाराज जी का पर्दा खुल गया और आप गणेश भगवान जी का दर्शन कर लीजिए। ये देखिए कितना खूबसूरती पीछे है, लाइटिंग वगैरह लगाया हुआ, कितना मस्त लग रहा है। और भाई साहब
गजब का है नज़ारा। ये देखिए, ये देखिए क्या गजब का नज़ारा है। जब भी आपको आना तो आप, अगर आपको पूरा मेला अच्छा से घूमना है, सामान वामान सब लेना है, तो आप लगभग 4 बजे तक निकल जाइए, 4 से 4 बजे 5 बजे तक निकलिए और आराम से 7 बजे तक घूमिए, घूम कर आइए। और ज़्यादा कुछ महंगा सामान भी नहीं मिलता, 10 रुपया के हर चीज़ एक लगले रहता है नीचे, मतलब 10 रुपया में जो भी वहाँ देगा वही आप ले सकते हैं हर एक सामान। और भी कोई 50 का लगाता है, कोई 20 का लगाता है, 100 का लगाता है, अच्छा सा सामान आपको मिल जाता है। आप एक बार विजिट कीजिए और आनंद लीजिए आप भी। ये आपको गोमती नदी के किनारे, आप पता कर लीजिए कि झूलेलाल पार्क है कहाँ पर है, के डी सिंह एक स्टेडियम है लखनऊ में, के डी सिंह स्टेडियम के पास में आप आएँगे तो वहाँ से किसी से पता करेंगे हमको झूलेलाल पार्क जाना है, आपको पहुँचा देगा। या सबसे पहले आपको हनुमान धाम आ जाइए, सबसे बेस्ट है। हनुमान धाम आने के बाद एकदम सीधा लगता है, पूरा सीधा उससे आप देखिएगा तो आपको सीधा में आपको पंडाल वगैरह बना हुआ दिख जाएगा। हनुमान धाम पहले आप आइए लखनऊ में, हनुमान धाम किसी ऑटो वाला की बस वाला को बताइएगा तो पहुँचा देगा, वहाँ से आ जाइए। आने के बाद इंजॉय कीजिए आप भी। और अब मैं यहाँ तो आपने दर्शन कर लिया, अब मैं आपको लगे चलता हूँ उधर जहाँ पर मेला वगैरह लगा, झूला लगा हुआ है, नाव वगैरह जो है झूलने के लिए, वहाँ पर लेके चलता हूँ, क्योंकि आया है तो थोड़ा उधर भी इंजॉय करना बनता है, तो चलिए वहाँ चलता हूँ। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह की झूला वगैरह लगा है, बच्चा के लिए भी लगा हुआ है। और ये देखिए भाई साहब, इसमें फट जाता है आदमी का जाने में। ये देखिए, ओ भाई बैठा तो नहीं अभी, लेकिन फट जाता है पक्का। पूरा 360 डिग्री घुमा देता है, ऊपर में ले जाके इस तरह रोक भी देता है। मैं बैठा हूँ, ये देख लीजिए इस तरह का झूला वगैरह लगा हुआ है, सबसे खतरनाक ये झूला है। ये देखिए, ये भी है, और इस तरह के भी बनने के लिए तैयार हो रहा है। ये भी खतरनाक बनाया है बहुत ज्यादा। और नाव भी है, सबसे ज्यादा मजा नाव पर ही आता है। ये सब डर वगैरह लगता है भाई साहब, तो बैठता नहीं, मैं नहीं बैठता उस पर, क्योंकि डर लगता है बहुत ज्यादा। और बच्चा के लिए भी यहाँ पर बना के रखा है। और ये देखिए नाव वगैरह देखा भी इस तरह की है यहाँ पर। ये देखिए आपको भूत के दुनिया में जाना आता है, यहाँ भूत के दुनिया भी है, यहाँ पर जा सकते हैं। कुछ नहीं है, अंदर में उसी का आदमी रहता है, 5-10 लोग बैठा हुआ है, और वो आपको डराने की कोशिश करता है। और ये सेल्फी के लिए मूड बनाया हुआ है, सेल्फी ले सकते हैं। अभी मैं इस झूला पर बैठा हूँ और इस वक्त झूलूँगा मैं। ये टिकट प्राइस इसका 70 रुपया लगा है, और भाई साहब देखता हूँ कितना देर घुमाता है ये मुझे। और यहाँ से ऑपरेटिंग वगैरह करता है, तो अभी रेडी करता है ये और हमको झूलाता है। और ये देखिए सब नाव बैठा हुआ है, ये देखिए पीछे सट के बैठा हुआ कि कहीं गिर ना जाए, और चिल्ला रहा बचा मम्मी बचा मम्मी। अबे तू पैसा देके बैठा क्यों इस पर, जब तू चिल्ला रहा है तो चिल्ला रहा है बचा ले, खुद पैसा भी दिया खुद बैठा भी और खुद चिल्ला भी रहा है, कब रोक दे अब नहीं बैठना। और ये देखिए मैडम जी का बैठ के घूम रहा है, अभी इसको भी मजा आएगा थोड़ा देर में। ये देखिए, ये देखिए बाकी कैसा वीडियो लगा आप लोग बताइए। ये देखिए
अभी वीडियो बनाए वो निकल जाएगा एक मिनट में। ये देखिए मेरे पास में जो एक बैठा हुआ है लड़की, ये आप शायद देख रहे होंगे, नोटिस कीजिए इसको, इसको कलाक है, जो कलाक बना हुआ है लड़की। ये देखिए नाव पर भी, देखिए नाव पर जो बैठा हुआ है इसका देखिएगा, आपको जूम करके दिखाता हूँ। पीछे ससुरा सट गया है कि कहीं हमको गिर ना जाए। अबे तू बैठू भी मत, पैसा अपना जेब में रख, क्यों जाकर टिकट कटा के बैठ गया, चिल्ला रहा है बचा ले बचा ले। और ये झूला झूलने के बाद मैं अब घर पर जाऊंगा, क्योंकि आपको बहुत सारे दिखा दिया कहाँ कहाँ किया है। और सामान वगैरह इसका सामने बिकता है, जैसे झूला आप झूलेंगे तो उसका सादे सीधा आगे देखेंगे तो सामान वगैरह वहाँ पर सब बिकता है। 10 रुपया के हर एक सामान, 50 रुपये का हर एक सामान, मतलब 10 रुपया में कब गए घर खरीद लेंगे। वहाँ जो सामान रखेगा वही, और 100 रुपया में जो भी दिखाएगा वही आप खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक सामान के मतलब जाइए बुलेट खरीद लीजिए 10 रुपया में, वो नहीं। बाकी ये देख लीजिए, ये इस तरह के मेला है, हर एक सामान 10 रुपया का नहीं, ये भी आपको 70 रुपया का टिकट मिलेगा। और आप 70 रुपया का टिकट लीजिए, घूमिए। और कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।